हमारे सभी रसिया प्रेमी, इस भव्य आयोजन को कराने वाली सम्माननीय वंदनीय कमेटी, बहुत सुंदर खेरेश्वर धाम की ये पावन माटी, क्या बात है, बाबा भोलेनाथ और विभिन्न अखाड़ों से पधारे तमाम उस्ताद खलीफा, लेखक महोदय व गायक बंधु व संगीत से संबंध रखने वाले सभी संगीत प्रेमी, आप सभी के चरणों में अपने मस्तक को रखते हुए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। क्या दोस्तों, रसियाबाजी का मुकाबला प्रारंभ हो गया, जिसमें बड़ा ही प्राचीन अखाड़ा अखाड़ा गुलजारी लाल अलीगढ़ और इधर से बड़ा ही छोटा सा अखाड़ा अखाड़ा रामादल देशमा। क्या बात है, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक देखेंगे जरा। अभी अभी आप नंबर सुन रहे थे, अरे सुना भी और सभी ने अभी अभी देखा भी। हमारे परम आदरणीय गुरुदेव दरोगा जी की तरफ से क्या बात है, एक छंद गाया जिसमें कृष्ण और बलराम बाणासुर से कह रहे हैं कि तुम्हारी पुत्री है उषा, उसकी जोड़ी अनिरुद्ध से बड़ी अच्छी लगेगी। क्या बात है, आप उसका विवाह का व्यवस्था कीजिए। ऐसे थोड़ी है, एक टुकड़ा गाया, एक टुकड़ा गा रहे थे, मत कोरे गाल बजाना आज खेरेश्वर धाम पे। अब चिंगा भैया तो कह रहे मत कोरे गाल बजाना खेरेश्वर धाम पे, पर वो हमारी भाभी बताओ क्या कह रही, क्या कह रही बताओ तुम्हें, क्या कह रही, जो कह रही ना कि ठाड़े है कि मेरी चिंता मत करे, आज की रात में तेरी ऐसी लंगे, ऐसी लंगे कि बिल्कुल बकाया छोड़ेंगे ना, सब खरीदेंगे। देख जब लेवे देवे की बात है, तू कम से कम यहां तो मत करे है ना, एक बात जानतो, चलो घर से बाहर की बात होए, पीहर के काऊ मार्केट की बात होए तो अच्छी लगते है, सही बात है। अब ससुराल में ही ठाड़ी है और ससुराल में ही कह रही है कि मेरी ठाड़े है के ले रही हो, तीन तीन रुक जा एक रुपए ना रुक रही है तो तीन चिंगा भैया, कारण काय बात में कमजोरी आ गई है भैया, चक्कर है हिसाब किताब। देखो ऐसे तो देखो तुम्हारी बेइज्जती तो है रही है, सो है रही है, मैं हूं तुम्हारा छोटो भैया हूं भाई, बेइज्जती मेरी हो रही है। अरे जाते बढ़िया तो बात जे रहती कि जाते दिनते न कह के वो सीधी चुप मेजोरे आ जाती तो मैं ही बाकी व्यवस्था कछु कर ले, तो है उल्टो सिस्टम चल रहा है, ये तो मैं पतो ना, वो तो है गई पत्री भैया है गए। अब एक महर गाई है बड़ी सुंदर सी, हाँ, और एक गीत गाया है, और गीत तो ऐसा गाया, आपको गीत में आनंद आया भैया नहीं आया, नौत उठा के बताओ यार, ने नौत नेवर नौथी, यार तुम कमाल के आदमी हो यार, वो अकेली जनानी तीन तीन नो ले जा रही है, तुम्हें आनंद भी ना आ रहा है, पर बाकी हड्डी ने देख के लग रही ना है कि वो भजन तुम्हारा ही ओटते होगी। पकड़ ली पकड़ी चुगली, ये भी पकड़ ली भाई, तीन ले जावे काजी, मामलो भारी चाहिए है, तो बाकी तो एक एक नष्ट चमक रही है यार चिंगा भैया, वो तीन तीन ले जावे ही बात कर रही है। आइए ज्यादा कुछ न कहते हुए देखेंगे मेरी तरफ से मेरे नंबर की शुरुआत, इधर से जवाब बाणासुर का आएगा। क्या बात है, अब सुनिए कृष्ण और बलराम जी, बाणासुर क्या कह रहा है, तुम्हारी नजर हमारी छोरी पे है, बाप यही तो है कि तुम्हारी नजर हमारी को थोड़ी छोरी पे, लेकिन दूसरे के घर में झांक बे ते पहले ने के एक आंख अपने घर में देख लेनी चाहिए, बात सही है ना है? अब तुम्हारे घर में कहा है ये बाणासुर तुम्हें बतावे वो, अरे मेरा तुम्हारा मेल क्या है यार, मुझे बाणासुर कहते हैं, कह रहा है बाणासुर, छोरा मान जा मेरे आगे बोल ले, श्याम तुम
तुम्हें तो मैं इकली देख लूंगी। हाँ करता, लेकिन उम्मीद करता हूं आपके पूरे नंबर पर इतनी ताली नहीं होंगी, ये एक लाइन ताली उतनी आप देख लेना। क्या बात है? अरे जोड़े श्याम मुरारी है, और हमारी छोड़ी है बाद में देखियो। अरे जोड़े श्याम मुरारी है, अरे अर्जुन के संग मंदिर में दे कोई भज गई पहने तुम्हारी है। कृष्ण की बहन भागी नहीं भागी? हाँ भागी। हमारी छोई देख रहे हो कि ऊषा ऊषा। अरे यार नेक अपने घर देखो। चलिए पंडित जी, जिनको कुलवा खानदानी काम भागो भाई वही होए तब उनके भी आए जत्ते होंगे कब? भैया यादव जी देखो खानदानी काम भागो भाई वो होए इज्जत पे आओ ना के हो सकते हैं राजी रिश्ता तो हमारी समझते तो हमने ना ही। आगे जब तुम वहां शादी करने की बात कर रहे हो तो तुम्हारी खानदानी कुकर्म जो है वो छंद में मैंने भरे हैं, देखो जरा। वो मैडम 16 साल की क्या बात है? कहा एल्बम वालों ने मेरे सोत हुई गया थी पीटरी बाला गया थी पीटरी बाला दे तुम 16 साल की गया
जोर चुरा रही है। जब गानो ताजी यावन में आए, जब अलीगढ़ में है रो तो दिल्ली जावे जरूर लाए। अच्छा देख सब्दी पल्ले न पर तो बात खाए। अरे ले गया कोई रिक्शे वाला के गाल। क्या बात है। और बाबा क्यों कह रही कछु तो मैं भी कह दू। तू मत के बेटा ने रुक जा। तू मत के ने यादव जी जो एक राष्ट्रीय राष्ट्रीय पार्टी के भी स्टार गायक हैं और एक अखाड़े के भी स्टार गायक हैं। मैं चाहूंगा आप लोगों से भाई के लिए एक बार जोरदार सी तालियां बजाकर सम्मान करें। पहले भैया थोड़ी सी जवानी दे दे। ते जवानी आनी तुम आदेश करो तो दे लाने हमके वो इन्हें छोड़ के काउ रिक्शा वाले के संगत चो चली गई। पता है क्यों बाके लाल गाल जाती सुकड़ी खाल। बाकी लाल गाली जाती सुफड़ी खाल। बाकी लाल गाली जाती सुफड़ी खाल। गौर से सुने कुछ विशेष रसिया वालों के पास होता नहीं है आपका मनोरंजन करने की कोशिश करते हैं।
ना पीछे हट जाना आज खेरे हट जाना जाखेरेश्वर धाम पे। चंगा भैया आपकी तरफ से भी चाल लाइन आई, बाबा का नाम दिखाई दे रहा है, काम दिखाई दे रहा है, मैं भी चाल लाइन लाया हूं बाबा खेरेश्वर के चरणों में और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएंगी। कहना है कमेटी वाले यादव भैया आज खेरेश्वर धाम पे।
मुश्किल मुश्किल हमसे बच पाना दूसरी लाइन ऐसी लाऊंगा आप मजबूर हो जाओगे ताली बजाने में आप भी। घेरे स्वर से वृंदावन से घेरे स्वर के वृंदावन से रिश्ते खास हुए हैं। घेरे स्वर के वृंदावन से रिश्ते खास हुए हैं। घेरे स्वर के अरे रिश्ते खास हुए हरदास हुए। अरे वृंदावन में इस प्रांगण की अरे छटा दीख दी न्यारी। वृंदावन में इस प्रांगण की छटा दीख दी न्यारी। और फिर लाइन तालियों वाली लाइन है देखिए स्थानीय खाना है मैं तो शर्म करो मुश्किल है मुश्किल जाना खेरेश्वर धाम पे तुम्हें खेरेश्वर की महिमा नहीं पता है लगाए गए चौके अलीगढ़ के तुम्हें खेरेश्वर की महिमा नहीं पता है। खेरेश्वर के होने के बाद महंत जी से मिलना कमेटी जी से मिलना अगली साल रसिया गाओ तो पहले खेरेश्वर की महिमा जानना उसके बाद खेरेश्वर का रसिया गाना। अरे वृंदावन में इस प्रांगण की अरे छटा दीख दी न्यारी। और देखो फिर मजा आएगा सागर भैया छटा दीख दी न्यारी। हर घर से हर दास बने हर घर से हर दास बने श्री हर के प्रेम पुजारी। रसिया वालों का काम गाल बजाना भी है और गाना भी है लेकिन अगर कहनी है तो लाइन ऐसी कहो देखो कैसी दिखता है भव्य परसान दिखता है भव्य परसान दिखता है भव्य परसान। रासलीला हो रही है इस मंच पे और जब रासलीला होती है तो गोवर्धन का नजारा भी दिखता है। वृंदावन रसिया जंगल से थोड़ा पहले आए उन्होंने देखा इस मंच पे रासलीला भगवान कन्हैया का जन्म हुआ इसलिए लान कह रही है दिखता है भव्य परसाना दिखता है भव्य परसाना आज खेरेश्वर धाम पे दिखता है भव्य परसाना आज खेरेश्वर धाम पे। और मजा तो तब आएगा जब टुकड़ा आगे लड़के आएगा आगे लड़के आएगा जब मजा आएगा इसलिए बन्नों का कहना क्या है मुश्किल है बच जाना आज खेरेश्वर धाम।
एक बार सुधीर उस्ताद के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। ये इनका ही आशीर्वाद है जो हो रहा है, सब इनका ही आशीर्वाद है, क्योंकि उस्ताद खलीफाओं का ही आशीर्वाद बच्चों पे होता है। बारह सुर कह रहा है दूसरी जिगड़ी में। और हमारे उस्ताद पेंटर जी बैरक दल वाले उनकी तरफ से ही पुरस्कार आया है, आभार व्यक्त करूंगा। अरे हमसे टक्कर ना ले पाए हो, 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 हमसे टक्कर ना ले पाए हो, और मात पड़ेगी खानी है। अरे देहाई धर तुम जीवन चलाओ, प्यारी नाए आखे न कर दो भैया ने बस आप धुंध गई हो। हाय हाय रे मजबूरी, ये मौसम हो रही है तेरी। चलावे अरे एक बार में सुन ले भैया तीनों न कूले बात जेई कचोरी यही। अब जवाब दे दो जाए, मजा आ जाए तो तालियां। अब हम क्या कह रहे हैं रे, तीनों ने तो ले जा रही है जे, ताजा की मट्टी बड़ी खराब है। दांत पे दांत रख के ले जाती होगी। ये हमारे ठेकेदार जी की तरफ से बार बार पुरस्कार आ रहा है। अब मैं क्या कह रहा हूं चाचा, जब तीन ने तवई तक ले जा रही है, जब तक तुम कह रहे कि जय धो पहुंचो जाके भीतर तक सफाई करो, लेकिन सफाई कितनी करो कितने धो, जब तो एक दिन बुढ़ापो आनो। अब बात तुम्हारी भी दुमानी थी, दो जगह घट रही थी, अब मेरी भी दो ही जगह घटेगी।
उस्ताद अब मैं क्या कह रहा हूं, चाकी करो चाकी करे न खातिर तारी, चाकी करे न खातिर तारी, ओ चाकी करे न खातिर तारी। ये तुम्हारी अतिकाय जो तीन ने ले जा रही के बाकी बात कर रहा हूं। चाकी करे न खातिर तारी, ओ चढ़ जामे सब परिवारी, चढ़ी जामे सब परिवारी, करी चाकी खातिर तारी। और जब जाते तीन बैठ जा तीन है जाता ना तीन चढ़ जाता है तो कबो कबो इमरजेंसी में चढ़ानो चौथा ऊपर तो है या चढ़ानो पर तो ना है पर जा चांस है। जब चढ़ जाए सब परिवारी और जब चौथों चढ़ता है तो हो तो गए दे तो जितो राग पे सुरे ही गावे, जितो राग पे सुरे ही गावे, जितो राग पे सुरे ही गावे। तो आजा यहां बैठ, यहां बैठ। चढ़ जामे सब परिवारी, ये तो राग पे सुरे ही गावे। और मजा आ जाए तो मैं तालियां चाहूंगा। ये तो राग पे सुरे ही गावे, अरे चाको मोको लग जावे, अरे चाको मोको लग जावे, कोई टांग न बीच दबावे। मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं, ये मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं। अब मोटरसाइकिल पर जरूरी ना है कि तीन ही होए, अरे जाको मोको पर जावे, कोई डांगन बीच दबावे। और सुनो, अरे हाल देख चाहे कितने चढ़ गए, जब एक हाथ की होत गए एक हाथ की तो कचूदना चल जाते हैं, और जब जनों जनों वहां पर चढ़ चुका है तो बहुत जल्दी सर्विस मांगते हैं। हाल देख जब सब लहू चढ़ गए, और अगर टाइम पर सर्विस न हो तो फिर देखो कहां हो तो जाके नीचे थे क्या। जब सबरे चढ़ गए नीचे ते ताक फेंक रही छंगा लिया। अरे कहां धरे हो यार बा कापी में, पंद्रह साल पे इतना ही लिखो धरो भैया गाओगे। दुमानी बात सुनो, जब मोटरसाइकिल दरोगा जी पुरानी हो जाती है नीचे को गत्ता जब कट जाता तो जामर जी तेल की चामटो बांधते नीचे ते आगे फेंक रही पीछे ते ताक फेंक रही। पीछे वाले साइलेंसर में ते उंगरिया कम देखो समझो ज्यादा, पीछे वाले छेदक ते धुआं पे रही नीचे ते ताक चुचातो इन दिनों का ना चुचातो आड़ी करते हो मई टप 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 टप। अरे ये पीछे धारे छेद में धुआं नीचे ते आग फेंक रही, हाँ फेंक रही ते फेंक रही। और जब हम पे थे माइया कोई ले जा तो का है, जब ले जा तो का है तो कर तो का है, चाहे डगरे पे कोई सड़क पे खेले
किसान जाटन को बालक तो बगरे सड़क पे ना चनी को बोझ भर के खेत में पेलतो है। कोई बगरे चुराए के लाए हो ना भाई। अरे चोखो अरे चोरो यादव कुल की आन, अरे पतना मन में बनो चट्टान, अरे अपनी ले बचाए तुम जान, बुरे दिन आए तरफ से इनके लिए और फिर भैया का नंबर आते दो मिनट में रख दिया। कह गया 15 दिन मेरा वेट करना, उसके बाद चला जाना। तो आपने रसिया पहुंचा दिया कि वो चट्टान लगा करके वापस चला गया। अब आगे आपके रसिया को मैं बढ़ा रहा हूं। सुधीर साहब यादव जी, भेद छेद खेद और एक आपको भ्रंश ले आए उम्मीद, उम्मीद नहीं होता है वो उम्मीद होता है। उस्ताद होता है कि नहीं होता है? सबरे नगे होंगे अभी तुम्हारा अकेले को हैरो है, सबरे नगे होंगे। अरे तुम्हारे रसिया को बढ़ा रहा हूं और जहां तक हो सके बात से काफी आपसे, और तुम्हें जब गुलजारी वाला खाड़े की नाक बचानी है मतलब तुम एक लाइन लिख रही हो।
काफिया बंदी के कर रहे हैं। सुग्रीव तो फटा सफेद। जब आदमी के होश उड़ जाते हैं सुधीर उस्ताद तो कह देते हैं कैसे फक सफेद सो परे हो तू, चेहरा से कहते हैं ना फक सफेद। जब उसने देखा कि 15 दिन हो गए भाई नहीं लौटा तो उसका चेहरा फक सफेद हो गया। काफिया लड़ रहा देख सुग्रीव को फक सफेद। पढ़ो जान तू पर्यो पमाड़ो पड़ गयो है या चेहरा फक सफेद। जान तू पर्यो पमाड़ो है चेहरा भक्त सफेद। चेहरा पड़ गया है सुग्रीव को भक्त सफेद। अब कापिया देखो कैसे कैसे आ रहे हैं। जब बताऊंगा जब बात करूंगा तो मतलब जब एक लाइन बगैर कापिया बंदी के लिखना मत। अगर शर्मदार हो तो कापिया बंदी से ही लाना दो लाइन लाइन लिख के। अरे सुग्रीव जी तो राज कर रहे। जब चट्टान लगा करके चले गए सुग्रीव पंपा पर पहुंचे तो क्या किया। अरे सुग्रीव जी तो राज कर रहे बापम पापुर के अंदर। अरे सुग्रीव जी यहाँ राज कर रहे बापम पापुर के अंदर। अरे राजा को आदेश मान रहे सबरे भालू बंदर। गुरु गंगाराम जी बनता मैं भी जानकार लोग हैं काफिया बंदी के। अरे एरे जा एरे जा को जे कर्म गयो चाहे जीवन भर से जाकी जान को भयो
कटायो जो नेक बचो बाय तारे कंधा ले जाओ तारे कंधा ले जाओ अरे कंधा ले जाओ कटायो नेक बचो बाय सुधीर उस्ताद चुमेद तेरी जान को परो पमा अब तक इनके ही जवाब दे भैया मैंने अपनों तो कछु ना गायो गायो तो ना अपनों कछु अब तुम्हारा आदेश होए तो गाऊं एक टुकड़ा और नहीं तो भैया नंबर दे दूं एक टुकड़ा और मेरी तरफ से भैया के लिए कहना है हमें गायो सागर भैया बेटा रुक समय ने कम है थोड़ा जल्दी आ जाओ धुन आई है एक बड़ी पुरानी ये भी भैया मोरा रूप रंग मोरा रूप रंग मोरा मोरा रूप रंग मोरा अंग रंग आगे पीछे डोले काना तेरे संग संग ओ मेरा रूप रंग मेरा अंग आपने छंद गाया छंद में कह रहे हो कि अपनी छोरी ब्याजे टुकड़ा गाया टुकड़े में कह रहे हो कोरे गाल मत बजाना खेरे सुर धाम पे गीत गा रहे हो तो तीन दिन में ले जा रही है मात्र एक टुकड़ा दे रहा हूं बिल्कुल शुद्ध और सात्विक जैसी ये पावन धरा खेरे सुर धाम की है वैसा ही टुकड़ा दूंगा कोई प्रश्न नहीं है आपसे कोई जबरदस्ती नहीं है आपके पूरे नंबर का जवाब देने की कोशिश मैंने करी है आप मात्र एक टुकड़ा दे रहा हूं और आप लोग देखेंगे उधर से क्या जवाब निकल करके आएगा क्या मथुरा में क्या गोकुल में क्या है बिंदरावन में छोड़ के ब्रज को सब ब्रजवासी बस जाओ मोरे मन एक अनेक से हम हो जाए एक अनेक से हम हो जाए एक दूजे में खो जाए अरे चोरी चोरी मिलने से आ गई दे रहा हूं ये भी लिया देख ले जा रहे तो ले जाइए सावित्री कह रही है ले जा रहे तो ले जाइए पर एक काम इतना कीजिए मेरे पति से धर्मराज तुम पुत्र मुझको दीजिए कि मेरे पति
से पुत्र तुम कोई धर्मराज मुझको दीजिए। फकीर भैया धर्मराज ने पीछा छुड़ाने के लिए कह दिया कि जा तेरे पुत्र हो जाएंगे तथास्तु, लेकिन फिर भी पीछे पीछे है ये धर्मराज ने कहा अब क्या चाहिए। तो सावित्री हाथ जोड़कर कहने लगी छन्ना भैया, कह रही है सावित्री भैया केवल शब्दों का खेल है और कुछ नहीं है। धुन कह रही थी मोरा रूप रंग मोरा अंग और सावित्री कह रही है आप ले जा रहे हो स्वर बिन साजना के स्वर बिन साजना। स्वर बिन साजना ऐसे ही संगना साजना, स्वर बिन साजना ऐसे साजना कहना है स्वर बिन साजना संग नहीं साजना। भैया एक स्वरबिन ये साज नहीं और मेरे संग साजना यानी पति नहीं, और जब पति नहीं हो तो बेटा कैसे जाए बोलो सजन साजना। बेटे को या बेटी को जन्म देते हैं तो उसको भी कहते हैं कि उसने बेटा जना है उसने बेटी। अरे बेटा कैसे जाए बोलो सजन साजना ये स्वर बिन साजना। पूरे जीवन मेरा मेरे पद से न होगा भेटा। पूरे जीवन जब मेरे पद से पूरे जीवन जब मेरे पद से मेरा न होगा भेटा। और जब पूरे जीवन पति नहीं मिलेगा तो अली भाई पूरे जीवन मेरा मेरे पद से न होगा भेटा। तुम ही बताओ पति के जैसा कैसे होगा बेटा। अरे तुम ही बताओ पति के जैसा कैसे होगा बेटा। और हे धर्मराज अगर तुमने दे भी दिया और मैंने ले भी लिया तो बिना पति के गोद भरेगी बिना पति के बिना पति के गोद भरेगी तो दुनिया उंगली खड़ी करेगी। और फिर पत फिरता मानेगा मुझे कौन साजना। खलीफा जी
चौथा साजना सुधीर उस्ताद कह देते ना वो गुलजारी आए रसिया गाय में आए उन्होंने कह जने कितने आदमी थे रे कौन सा जना जना से मतलब गिनती अरे फिर पट फिर का मानेगा मुझे कौन सा जना फिर पट फिर का मानेगा मुझे कौन सा जना सर बिन साजना पुरस्कार आया है इस टुकड़े पे और छंगा भैया कोशिश करना इस टुकड़े के जवाब पे तुम्हें गुरुदेव की तरफ से 10 रुपए मिल जाए कोशिश करना कि गुरुदेव की तरफ से तुम्हें इस टुकड़े के जवाब पे 10 रुपए मिल जाए। मैं चाहूंगा गुरुदेव के लिए आप एक बार जोरदार तालियां अरे